हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और भगवान करे, भगवान भोलेनाथ करे, बालाजी महाराज करे कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिंकू और स्वागत है आपको अपने चैनल गुनगुनादी किचन ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है यहाँ शाम का टाइम, यानी कि 4:30 बजे के करीब के आसपास का ये टाइम हो रहा है। और मैं यहाँ पर सारा कपड़ा धुल के लेके आई थी, तो मैं अभी यहाँ पे फोल्ड कर रही हूँ। 4-5 साड़ियाँ हैं जो कि नवरात्रि में मैं जो पहनी थी, वो सब साड़ियाँ धुल धुल के मैं रखी थी, फोल्ड नहीं की थी, क्योंकि नवरात्रि में ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल चलता है, तो इस वजह से थोड़ा बहुत काम रह गया है, तो उसी को मैं यहाँ पे निपटा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना सपोर्ट दीजिए, अपना प्यार दीजिए। बहुत ही अच्छा अच्छा ब्लॉग आने वाला है और बहुत ही हेल्पफुल ब्लॉग मैं लेके आऊँगी आप लोग के लिए भी। और मुझे उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है आप लोग पे कि आप लोग मुझे अपना प्यार देंगे। और फ्रेंड्स, आप लोगों को पूरा अधिकार है कि आप लोग मेरा अच्छा या बुरा जैसा भी जो भी लगता है वहाँ पे आप मुझे बताइए और मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ दीदी, यहाँ पे गलत है, मतलब ऐसे करिए, इस तरीके से करिए, या आप लोग को किस तरीके का ब्लॉग देखना पसंद है, ये भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं बहुत ही कोशिश करूँगी कि मैं उसी तरह का ब्लॉग लेके आऊँ, आप लोग को शेयर करूँ। कुछ रेसिपी की का भी देखना होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले तो जितनी साड़ियाँ हैं, जितना कपड़ा है, सब फोल्ड करके रख देती हूँ तय बनाकर, जिसका मतलब जहाँ जहाँ पे है वहाँ पहुँचा दूँगी। और अभी तो दिवाली की सफाई भी करनी है, अब वो भी शुरू हो जाएगी बस एक आध दिन में ही। बस मैं सोच रही हूँ कि आज ही कल से शुरू कर दूँ, क्योंकि मेरा घर बहुत बड़ा है और उसको टाइम लग जाता है, एक दिन तो लग जाता है एक रूम साफ़ करने में। तो अगर क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो सारा ही साफ़ हो जाएगा जल्दी। और यहाँ पे विसर्जन हो रहा था दुर्गा माता का, ये क्लिप उसी दिन का है। और विसर्जन हो रहा था तो इतना मतलब उस दिन लग रहा था कि आज कुछ हो गया है, इतना उदासी लग रहा था। नवरात्रि के बाद तो ऐसे भी एकदम मतलब घर में लगता है सूना सूना, बिल्कुल शहर घर सब सूना हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। और दशहरा रहता है तो कितना चहल पहल, दुर्गा माता आती हैं तो कितना चहल पहल रहता है, अच्छा लगता है। वहीं जब विसर्जन करने का टाइम आता है तो मतलब अजीब सा सूना सूना हो जाता है हर जगह, और भीड़ तो इतना था, बहुत मतलब हर गली गली जाम हो गया था, मतलब हर जगह बहुत ज़्यादा भीड़ था। तो अभी ये शाम का टाइम हो रहा था तो मैं उस तरफ का क्लिप बनाई थी, जो कि मेरे घर से लेके इधर से लोग जा रहे थे तो वहीं का मैं यहाँ से क्लिप बना ली थी। तो फ्रेंड्स, आ गई हूँ किचन में और अब मैं बनाऊँगी डिनर, और क्योंकि हो गया है रात। और मैं यहाँ पे मक्खन निकाल रही थी तो वैसे ही छोड़ के चली गई थी जब आया दुर्गा माँ का वो लोग विसर्जन करने, और तो मैं चली गई देखने छोड़ के यहाँ पे, तो वही मैं यहाँ पे मक्खन निकाल रही हूँ। मक्खन निकाली थी तो उसको मक्खन निकाल के साइड करके रख देती हूँ, इसके बाद बनाऊँगी खाना। मक्खन पिघलाऊँगी कल, देखूँगी तो कल पिघला लूँगी, क्योंकि टाइम अभी नहीं है, थोड़ा लेट हो गया है। और बनाना है मुझे पनीर का सब्ज़ी और रोटी ही बनाऊंगी। बच्चे लोग तो बोल रहे थे मम्मी नान बना दो, मैं बोली कि नहीं, रोटी क्यों ही, थोड़ा अच्छे से बना दूंगी, उसमें बटर वटर लगा दूंगी तो अच्छा लगेगा, गरम गरम वही खा लेना तुम लोग, क्योंकि नान के लिए आटा लगा के मैं नहीं रखी थी, तो इस वजह से मैं बोली कि नहीं छोड़ दो, रहने दो। और मैं यहाँ पर अभी बनाऊँगी पनीर, तो पनीर देखिए शाही पनीर, बटर मसाला कुछ भी इस तरीके का बन जाएगा, तो वही बनाऊंगी। तो यहाँ पे उसी के लिए मैं यहाँ पे प्याज लहसुन छील रही हूँ, और प्याज लहसुन छील के इसके बाद प्याज लहसुन अदरक और टमाटर जीरा काली मिर्च गरम मसाले, मतलब खड़े मसाले जितने भी हैं, बड़ी इलायची छोटी इलायची लौंग दालचीनी, और इसके बाद काजू,
ये सब एक साथ डाल के घी में भून लूँगी, अच्छे से थोड़ा भून लूँगी, ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी अच्छे से भून लूँगी कि पेस्ट बना के भूनने से वो छीटा पड़ने लगता है। तो इसी तरीके से मैं क्या करती हूँ कि अभी ही भून लेती हूँ अच्छे से। तो इस सबको मैं एक साथ ही इसको सॉफ्ट कर लूँगी, मतलब भून लूँगी। ये देखिए मैं घी में ही भून रही हूँ। और इसके बाद क्या करूँगी कि उसको ठंडा करके उसका सारा का पेस्ट बना लूँगी और तब इस तरीके से बनाऊँगी। अच्छा, बहुत अच्छा बनता है, मेरे बच्चों लोग को बहुत पसंद है काफ़ी। मेरे हस्बैंड भी खाए तो बोले कि नहीं बहुत टेस्टी बना है, बहुत ही अच्छा बना है। तो यहाँ पे मैं ठंडा होने के लिए रख दी थी कि तब तक मेरा ठंडा हो जाए तब तक मैं यहाँ पे बर्तन धो लेती हूँ। थोड़ा बहुत लंच के सब लोग के लंच वाला बर्तन रह गया था, बच्चे लोग का, हस्बैंड का, और एक दो बर्तन और हो गया था जो शाम में नाश्ता हुआ था, तो वो सब मैं यहाँ पे धो लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बर्तन मेरा धुल गया। और ये इस टाइम का जितना सारा बर्तन होता है धो लेने से, रात वाला बर्तन थोड़ा कम हो जाता है, जो कि शाम का जितना भी बर्तन रहता है उसको आप धो लो तो रात वाला बर्तन जो आप निकलेगा वो बहुत ही मतलब कम निकलता है। मतलब जो खाएंगे थाली और ये रहेगा कढ़ाई और एक गमला, बस इतना ही रहता है, बाकी मतलब धुल जाता है। शाम का जितना चाय पानी का रहता है वो सब धुल जाता है, क्या काम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जितना भी मैंने फ्राई किया था वो सब ठंडा हो गया था। इसके बाद मैं पीस ली, पेस्ट बना ली, बहुत ही फाइन पेस्ट बना था। और आप फाइन पेस्ट बना के बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनता है। इस तरीके से फिर मैंने यहाँ पे बटर डाल दिया था और बटर के साथ ही मैंने यहाँ पे मसाले को अच्छे से भून ली। और इसमें बेसिक मसाले सभी मैं डाली थी, वो क्लिप लग रहा है कि डिलीट हो गया या सूट नहीं हो पाया, कुछ ऐसा हुआ था। तो वही मिक्स सब्जी मसाला डाली थी और लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, और मैं अभी यहाँ पे शाही पनीर मसाला डाल दी हूँ और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर उजा, ताकि इससे थोड़ा कलर अच्छा आए। और वही इसके साथ मैंने अच्छे से भून लिया जब तक हमारा घी रिलीज नहीं हो गया, मैंने अच्छे से भून लिया है। इसके साथ मैं थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए इसको उबलने के लिए छोड़ दिया था कि थोड़ा सा पक जाए, तब पनीर लास्ट में डालेंगे। और पनीर डाल के ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, 2-4 मिनट बस पकाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दी, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दी, इसके साथ में डाल दी यहाँ पे ताज़ा मलाई। और ताज़ा मलाई डाल के बहुत टेस्टी हो जाता है, वो घर का ताज़ा अगर मलाई हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। अगर किसी वजह से थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर मुझे मोटिवेट कीजिए। चलिए हम आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।